प्राण भी नहीं बचा। अब आपको प्रमाण देख लीजिए, मानो को मोती दीनो, मानो को मोती दीनो, देवन को अमृत, असुरन को सुरा को दान कई दारो है। ये सागर की बात है। मानो को पहनने के लिए मोती 14 रतन दे दिया, देवताओं को अमृत दे दिया, राक्षसों को मदिरा दे दिया, इंद्र को ऐरावत दे दिया, कामधेनु दे दिया, लेकिन इतने ही कम दान नहीं किया सागर ने। आपने हृदय को पानी विराजित की ने सूल पान, रहने को हृदय में विष्णु को जगह दई डारो है। क्षीर सागर में अपने हृदय में भगवान को रहने की जगह दे रखी है सागर ने। कि रूठो जो संत का हुकाम नहीं आयो है, रूठो जो संत का हुकाम नहीं आयो है, और ढाई अंजली में सागर पान कई दारो है। सबको सर्वस्व लुटा दिया। और महाराज जब अगस्त ऋषि को क्रोध आया तो ब्रह्मा शिव कोई काम नहीं आया, ढाई अंजली में पूरे सागर के जल का पान कर गया। अस जो सागर को पी सकता है वो तुम किधर लगते हो। यही कहना चाह रहा हूं कि अगर संत के सानिध्य में साष्टांग दंडवत के जाओगे मेरे भाई बहन, तो जैसे सागर के जल को क्रोध में पी लिया, ऐसे तुम्हारे दिल के दर्द को हर्ष से पी लेगा और मुस्कान दे देगा। हमें का तरीका तो है। संतों के सानिध्य में आने का, संत का दर्शन का फल क्या है? एक बार क्या हुआ, भगवान श्री हरि ने देव ऋषि नारद से कहा कि देव ऋषि क्या कर रहे हो? बोले महाराज मैं सोचता हूं कि संत के दर्शन का फल जानो। आप बताओ। बोले एक काम करो, चले जाओ फला गांव में, फला आदमी के फला किसान के घर में एक भैंस ने बच्चा दिया, एक भैंस ने बच्चा दिया, वो आपको बताएगा कि संत के दर्शन का क्या फल मिलेगा। हरि इच्छा। देव ऋषि नारद गए और जैसे वहां पहुंचते हैं दंड प्रणाम हुआ, किसान ने उनका आसन लगाया, पूजन किया, अर्चना किया, वंदन किया। देव ऋषि कैसे पधारे? बोले भाई आपके घर में जो बच्चा जन्म दिया है भैंस का, वो बताएगा कि संत दर्शन का फल। लेकिन यहां तो खत्म हो गया खेल। देव ऋषि नारद सामने जाए तब तक उसका राम नाम सत्य पूरे थे। देव ऋषि नारद ने सोचा ये तो प्रयास निरर्थक रहा। पुनः उनके पास गए और कहने लगे महाराज आप बताओ। बोले अब चले जाओ नारायण पाटिल के घर में एक गाय ने बच्चा दिया है। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, देव ऋषि नारद के घर में पुनः आगमन हुआ, वहां पर दंड प्रणाम हुआ, अतिथि परायणता हुई, चरण पखारे गए, आसन दिया गया। वहां जाकर देखा तो उसका भी राम नाम सत्य। बोले महाराज ये तो अटपटा हो रहा है, जहां जाता हूं वहीं। बोले चले जाइए हिमांचल नरेश राजेश जी के यहां भी एक बच्चे ने जन्म लिया है। राजा के घर में बच्चे ने जन्म लिया है। देव ऋषि नारद राजा के द्वार पर गए और जैसे उसका साक्षात्कार हुआ उसका भी काम पूरा ही हो गया।
देव ऋषि नारद हताश हो गए, भगवान अब मैं क्या करूं, संत का दर्शन का फल हमें बताएगा कौन। बोले चले जाओ, पार्वती नदी के तट पे हिमाचल की कंदराव में एक युवा सन्यासी बैठा है, अब वो बताएगा आपको कि संत के दर्शन का फल क्या है। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। अब बात स्टाफ की आ जाती है ना राजेश जी, तो थोड़ा डर भी लगता है। देव ऋषि नारद पहुंचे, नमो नारायण महाराज, नमो नारायण, आओ विराजो आसन पर, बताओ कैसे पधारे। बोले भाई बताऊं तो सही पर डर लगे। बोले क्यों? बोले अभी तक जिनको बताए ना उसका अनुभव कुछ ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं बताओ, वही यही सही जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावई साखा, बताओ आप तो। बोले महाराज संत के दर्शन जानने के लिए गया, तरह तरह की योजनाएं बनी, जहां गए वहां जिसके समक्ष गया नजर मिलते ही बेड़ा पार हो गया, ना आस रही ना श्वास रही, ना आशा रही ना अतृप्ति रही, वो यौनी छोड़ के चला गया। अभी आपको बता रहा हूं लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं यहां भी मामला गड़बड़ ना हो जाए। सन्यासी ने कहा मूर्ख अभी तक नहीं पता चला कि संत दर्शन का फल क्या होता है। पहली बार तू जिससे मिला वो मैं ही था, पहली बार जिस बच्चे से मिला भैंस के वो मैं ही था, संत का दर्शन पाते ही योनि मुक्त हो गया, दूसरी यानी गौ योनि में मैं आ गया, ये संत के दर्शन का फल था। पुनः जब तू वहां आया वो योनि छूट गई, राजा के घर में पैदा हो गया, ये संत के दर्शन का फल था। तीसरी बार जब संत का दर्शन हुआ तो मेरे ठाकुर ने नर से नारायण बना के घर घर में पूजवा दिया, संत बना दिया, ये मेरे संत दर्शन का परिवार। कि प्रेम जब है जी, प्रेम जब, प्रेम जब जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रसाद की भी प्रक्रिया कर लो। आप पता है जिसे पकड़ के लाए हो? मेरा उपनाम पता नहीं आपको? मेरा उपनाम बावरा है ना, तो वो है कि ना वो होश में थे ना हम होश में थे, और दोनों मोहब्बत की आगोश में थे, तो यहां पता ही नहीं लगेगा समय का। आज प्रथम दिन है,
इसलिए भागवत जी का व्याख्यान तो हम करेंगे ही। भागवत महात्म्य की प्रक्रिया पर चल रहे हैं और आरती की तैयारी भी करिए। काकम कंचन को माणिक्यम हस्तु, जो श्रीमद् भागवत कथा। हाँ, ये हवारमा नहीं जो ये बना ये रीते हैं।